रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो लखीमपुर खीरी में आपको बता दें कोविड टीकाकरण लक्ष्य से काफी दूर नजर आ रहा है। लक्ष्य का सिर्फ 25% ही टीकाकरण हो पाया है और 5 ब्लॉक में टीकाकरण को लेकर हालत बेहद खराब है। जागरूकता के अभाव में वैक्सीन से बच रहे हैं ग्रामीण। बड़ी खबर इस वक्त की लखीमपुर खीरी से सामने आई है, जहां पर सूबे के मुखिया की तरफ से टीकाकरण अभियान को और तेज करने का जो है निश्चय किया गया था, लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ग्रामीणों में जानकारी के अभाव के कारण वैक्सीन का जो काम है, जो तय लक्ष्य है, वो पूरा नहीं किया जा पा रहा है। इसके साथ ही बता दें ग्रामीण जानकारी के अभाव में वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर, ग्रामीण जहां पर वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं, और आपको बता दें कोविड टीकाकरण का लक्ष्य अभी तक काफी दूर है और ग्रामीण इस लक्ष्य को भेदने में मदद नहीं कर रहे हैं। बता दें आप, जानकारी के अभाव में ग्रामीण वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। इसी के साथ ही लक्ष्य का सिर्फ 25% भाग ही पूरा हो पाया है। 5 ब्लॉक में टीकाकरण को लेकर हालत बेहद खराब है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन के लिए नहीं पहुंच रहे, और इसी के साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि वैक्सीन से उन्हें कहीं ना कहीं डर लग रहा है। वैक्सीन पर जानकारी का अभाव है, जिसके चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कोरोना संक्रमण से वो डर रहे हैं और इसी बीच वैक्सीन लगवाने से भी कई ग्रामीण कतरा रहे हैं, जिसके कारण जो लक्ष्य रखा गया है टीकाकरण का, वो नहीं पूरा हो पा रहा। आपको बता दें केवल 25% का टीकाकरण हो पाया है। 25% का लक्ष्य जो है वो पूरा किया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद अभी भी एक बड़ा सफर तय करना बाकी है। काफी बड़ा तबका है जिसे वैक्सीन लगाना बाकी है, लेकिन ग्रामीण आपको बता दें जानकारी के अभाव में वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं। वहीं देश में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर दावा किया गया है कि भारत में कुल 2% आबादी से कम लोग अभी तक कोरोना से प्रभावित हुए हैं और 98% की आबादी अभी भी संक्रमण की चपेट में आ सकती है। नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल का कहना है कि कई राज्यों में महामारी का ग्राफ स्थिर हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रसार पर रोक लगाने के लिए व्यापक प्रसार और जांच के कारण स्थिरता आई है। कुछ राज्यों में चिंता बनी हुई है, मिश्रित स्थिति है, लेकिन संपूर्ण रूप से स्थिरता है और वैज्ञानिक विश्लेषण से हमें यह पता चला है कि महामारी कम हो रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां सीएम केजरीवाल की विश्व स्तरीय किरकिरी हुई है। बता दें जहां उन्होंने सिंगापुर को लेकर जो है एक बड़ा बयान दे दिया था। सीएम केजरीवाल ने कहा कि सिंगापुर में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। नए स्ट्रेन मिलने के दावे को अब जो है नकार दिया गया है। सिंगापुर ने अपने देश में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के दावे को बेबुनियाद बताया है। साथ ही बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने एक ट्वीट में सिंगापुर में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने की बात कही थी। केजरीवाल के ट्वीट के जवाब में भारत में स्थित सिंगापुर हाई कमीशन ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि सिंगापुर में कोविड का कोई नया स्ट्रेन मिला है। टेस्टिंग के जो जानकारी है उससे मिली है कि उसके अनुसार ये B16172 वेरिएंट है, जो कि पहले भी बच्चों समेत कई कोविड मामलों में मिल चुका है।